हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम स्टडी करेंगे नरेशन पार्ट टू की। और इस पार्ट को पूरा देखने से पहले आप नरेशन पार्ट वन ज़रूर देख लें, तभी आपको यह पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि सारे पार्ट आपस में इंटरलिंक हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट वन आप ज़रूर देख लें। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। इस पार्ट में हम समझेंगे कि टेंस को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। पार्ट वन में मैंने बताया था आपको कि कनेक्टर को हम किस तरीके से चेंज करते हैं, और इस पार्ट में आप समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस होते हैं उन टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय किस तरीके से चेंज करते हैं। तो सारे रूल्स को आपको थोड़ा सा धीमे धीमे समझना है। यदि आप जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो एक एक चीज़ को आपको थोड़ा सा टाइम दे के समझना है। जैसे यहाँ पर ये रूल्स दिए हैं, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू और रूल नंबर थ्री। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर इज़ नो चेंज इन टेंस। इसका मतलब ये है कि जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब दी है, ही सेज दिया है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में दी है, तो इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आप टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउन में चेंज होगा, बाकी चीज़ों में चेंज होगा, कनेक्टर में चेंज होगा, लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये दिया है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में, तो इस प्रेजेंट टेंस में चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब दिया है, तो इसलिए यहाँ पर जो टेंस होगा वही टेंस सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि ये प्रेजेंट में है तो नीचे वाला टेंस भी प्रेजेंट में ही रहेगा। जैसे ही सेज़ आई एम बिजी नाउ, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा ही सेज़ दैट ही इज़ बिजी नाउ। ठीक है, टेंस में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन प्रोनाउन में चेंज किया है, और प्रोनाउन में चेंज किया है और कनेक्टर में चेंज किया है, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक चीज़ तो आपको ये समझनी है। अब यहाँ पर दूसरा रूल समझिए। दूसरा रूल क्या दिया है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, सेंटेंस रिटेन इन इन्वर्टेड कॉमास इज चेंज इन टू द पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि ये पास्ट में होता, मतलब ही सेज की जगह ही सैड होता, तो ये आपका ये जो टेंस है ये पास्ट टेंस में चला जाता। आई एम बिजी की जगह यहाँ पर जो दिया है ही इज़ बिजी, ये ही वॉज बिजी हो जाता, पास्ट में हो जाता, यदि ये पास्ट टेंस में होता। तो एक आपको ये रूल समझना है, दूसरा रूल ये है, और तीसरा रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट, जो इन्वर्टेड कॉमास का जो पार्ट है, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो पार्ट दिया है, ये यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है या हैबिचुअल एक्शन है या फैक्ट है या प्रोवर्ब है या हिस्टोरिकल ट्रुथ है, तो इसको हम चेंज नहीं करते। इसको हम इसलिए चेंज नहीं करते क्योंकि टाइम के चेंज होने से ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल ट्रुथ टाइम के चेंज होने से चेंज नहीं होंगे, तो इसलिए इनको हम चेंज नहीं करते, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ही सैड दिया है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि द सन इज ए स्टार, तो इसलिए रिपोर्टिंग, चूंकि ये चीज़ पास्ट में है, उसके बावजूद भी इसको हमने पास्ट में चेंज नहीं किया। ही सैड दैट द सन इज ए स्टार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आपको टेंस में कोई चेंज नहीं करना, पास्ट में है तो चेंज करना है। और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है लेकिन उसके आगे एक यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस दिया है या एक प्रोवर्ब का या फैक्ट का या हिस्टोरिकल ट्रुथ का सेंटेंस दिया है, तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो एक तो आपको ये समझना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़े और एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए, और इन सभी पार्ट्स को ख़त्म करने के बाद मैं इसके काफ़ी एक्सरसाइज आपको करवाऊँगा, काफ़ी प्रैक्टिस करवाऊँगा, इसमें एलिमेंट्री सेंटेंस की, ट्रिकी सेंटेंसेस की, एडवांस सेंटेंसेस की काफ़ी सारी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊँगा, तो उसकी आप चिंता नहीं करें, पहले आप बेसिक्स को अच्छे तरीके से समझें। अब यहाँ पर देखिए, ही विल से, ही विल से मतलब रिपोर्टिंग पार्ट जो है ये आपका फ्यूचर में है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यदि ये प्रेजेंट में है तो नीचे वाला सेंटेंस, जो जो इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, वो भी प्रेजेंट में ही रहेगा। जैसे ही विल से आई एम द बेस्ट, और यहाँ पर होगा ही विल से दैट ही इज़ द बेस्ट, मतलब ये टेंस भी प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है, टेंस में चेंज नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन में चेंज और कनेक्टर में चेंज होगा। तो एक ये चीज़ आपको समझनी है। अब यहाँ पर देखिए, ही सेज टू मी, तो सेस के बाद यहाँ पर मी दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसलिए सेस को हम चेंज कर देंगे टेल्स में, सेस का सेज नहीं रहेगा, सेस को हम चेंज कर देंगे टेल में। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ही विल से टू मी, अगर ऐसे होता तो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसलिए इसमें से का से ही रहा, लेकिन इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट है से के बाद मी, इसलिए यहाँ पर हमने से का कर दिया टेल। तो एक चीज़ तो ये समझना है आपको, कनेक्टर लगा दिया हमने दैट यहाँ पर, और चूंकि ये जो पार्ट है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच जिसको हम बोलते हैं, ये जो पार्ट है ये प्रेजेंट में है, तो इसलिए इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है और ये भी प्रेजेंट टेंस में है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसको आप समझिए, अब देखिए ये वाला पार्ट भी प्रेजेंट में है, ही सेज, मतलब ये प्रेजेंट में है, ही सेज आई कम हेयर डेली, तो इसलिए ही सेज दैट ही कम्स हेयर डेली, मतलब यहाँ पर भी कम है और यहाँ पर भी कम है, ये प्रेजेंट टेंस है तो नीचे वाला भी प्रेजेंट टेंस है, टेंस हमने चेंज नहीं किया लेकिन हमने प्रोनाउन चेंज किया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है, इसको आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए, ही सैड आई वेक अप एट 5 PM, तो ये पास्ट में है लेकिन ये क्या है, ये एक हैबिचुअल एक्शन है और ये हमेशा सही होता है, टाइम के हिसाब से ये चेंज नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति को आदत है 5 बजे उठने की, तो वो डेली 5 बजे ही उठेगा, वो टेंस के हिसाब से या टाइम के हिसाब से वो चीज़ चेंज नहीं होगी। तो इसलिए चूंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है। ही सेड दैट ही वेक्स अप एट 5 PM, ये ऐसे बनेगा इसका। और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, वी गॉट फ्रीडम ऑन 15th of August 1947, वी गॉट फ्रीडम ऑन 15th of August 1947, तो इसमें हम ये चूंकि हिस्टोरिकल इवेंट है इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4-5 एग्जाम्पल दी हैं सेंटेंसेस के, और आगे भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनको मैं एग्जाम्पल के द्वारा ही आपको समझाऊंगा, तो इसलिए आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद हम प्रैक्टिस इसकी करेंगे। यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो किसी भी तरह के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और रूल समझते हैं, ठीक है। व्हेन द रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड इनटू द करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ये किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो इसलिए ये जो टेंस है, सपोज ये प्रेजेंट सिंपल में है तो इसको पास्ट सिंपल में कर देंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे, ये यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, ये प्रेजेंट टेंस के रूल हैं, प्रेजेंट टेंस में हम उसको करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट में उसको चेंज कर दिया, ठीक है, ये है आपका सिंपल कंटिन्यूअस तो हमने उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, प्रेजेंट का पास्ट में, मतलब कोई भी टेंस जो प्रेजेंट में है उसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर भी ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, सैड लिखा हुआ है सब जगह, सेज नहीं लिखा हुआ है, तो चूंकि पास्ट में है तो इसलिए ये जो प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंस हैं इनको करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में हम चेंज कर देंगे, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, इस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस को चेंज करेंगे। अब यदि पास्ट टेंस के हों, जैसे पहले तो प्रेजेंट टेंस के रूल थे, लेकिन यदि पास्ट टेंस के हों सारे सेंटेंसेस, तो उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, इस स्लाइड में हम वो सारी चीज़ें समझेंगे। देखिए पास्ट सिंपल में 4 सेंटेंस होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल में हम डिड लगाते हैं, ठीक है, निगेटिव में इंट्रोगेटिव डिड होता है, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वाज या वर होता है, वाज या वर होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता हैड होता है, ठीक है, तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन होता है, हैड बीन, हैड बीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रूल है कि पास्ट सिंपल में यदि कोई सेंटेंस है तो उसको आप चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी डिड का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस है उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, यानी वॉज वर्ब का हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस मतलब पास्ट सिंपल आपका चेंज हो गया और पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो गया, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो हैं वो अनचेंज रहेंगे, उनको आप चेंज नहीं करेंगे,
तो ये सिंपल सा आपको रूल समझना है। यहाँ पर मैंने लिखा है वन इज चेंज इन टू थ्री एंड टू इज चेंज इन टू फोर, मतलब ये वन जो है पास्ट सिंपल ये चेंज हो जाएगा थ्री में, पास्ट परफेक्ट में, और टू जो चेंज हो जाएगा मतलब पास्ट कंटिन्यूस जो चेंज हो जाएगा वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो इसको आप आसानी से इस रूल से समझ सकते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, ठीक है, ये वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल में लिखा है तो इसलिए इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। यहाँ पर डाइड था यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी और यहाँ पर हमने हैड डाइड कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने चेंज कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, ही सेड आई वॉज राइटिंग ए लेटर, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया, मतलब वॉज का हमने कर दिया हैड बीन। तो पास्ट का यदि यहाँ पर सेंटेंस दिया है तो मैंने पास्ट के सारे रूल आपको बताए हैं, उसको आप इस तरीके से चेंज करेंगे। अब ये पास्ट परफेक्ट का है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हैड है और यहाँ पर भी हैड है तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो यहाँ पर हैड बीन दिया है और यहाँ पर भी हैड बीन दिया है, मतलब इनको हम चेंज नहीं करेंगे, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस ये अनचेंज रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनको आप आराम से समझ सकते हैं। इस वीडियो को 2 या 3 बार आप देखेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। विल को हम वुड में चेंज कर देंगे यदि पास्ट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल को वुड में चेंज कर देंगे। शैल को हम वुड में चेंज करते हैं लेकिन यदि सजेशन का कोई सेंटेंस होता है तो शैल को हम शुड में चेंज करेंगे, ठीक है। विल और शैल को हम वुड में ही चेंज करेंगे, शुड में नहीं, क्योंकि शुड का मतलब अलग होता है। शुड को हम रिकमेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, सजेशन देने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए शैल को हम शुड में चेंज कर सकते हैं लेकिन केवल तभी जब सजेशन वाला सेंटेंस हो। तो अभी मैं सेंटेंस आपको बताऊंगा। विल हैव को हम चेंज कर देंगे वुड हैव में, शैल को चेंज कर देंगे, शैल हैव को हम चेंज कर देंगे वुड हैव में, विल बी को चेंज कर देंगे वुड बी में, शैल बी को चेंज कर देंगे वुड बी में, ठीक है। तो सिंपल कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है इसको समझना। मे को हम चेंज कर देंगे माइट में क्योंकि मे का जो पास्ट टेंस होता है वो माइट होता है। कैन को हम चेंज कर देंगे कुड में। तो इस तरीके से इनको आपको चेंज करना है यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ये बेसिक चीज आपको समझना है। अब यहां पर देखें, ही सैड ही विल कम, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसमें तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब विल का आपको वुड करना पड़ेगा, ठीक है। ही सैड दैट ही वुड कम, अभी मैंने आपको प्रोनाउन का और एक्स्ट्रा वर्ड का चेंज करने का नहीं बताया है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर केवल मैं टेंस का बता रहा हूँ कि टेंस हमको किस तरीके से चेंज करना है। प्रीवियस वीडियो मैंने कनेक्टर का बताया था कि कनेक्टर को किस तरीके से चेंज करना है। तो विल बी को हम चेंज कर देंगे वुड बी में, ठीक है। विल हैव को हम चेंज कर देंगे वुड हैव में, इस तरीके से सारे चेंजेज होंगे। और शुड हैव का शुड हैव ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। इन सारे वर्ड्स में कोई चेंज नहीं होगा, नीड नॉट, यूज टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर और हैड बेटर, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहां पर आप ये सेंटेंस पढ़ सकते हैं, मस्ट में हम चेंज नहीं करते, ठीक है। मस्ट का देखिए, मस्ट के 2 सेंस निकल सकते हैं। यू डोंट हैव टू चेंज मस्ट फॉर रिपोर्टेड स्पीच, मस्ट को हम चेंज नहीं करते। इफ मस्ट मीन्स हैव टू इन द ओरिजिनल देन यू कैन चेंज मस्ट टू हैड टू। देखिए, हैड टू का मतलब होता है कि आपको वो काम करना ही है क्योंकि आपके पास या तो ऑफिशियल कंपल्सन है या आपके लिए वो चीज़ करना जरूरी है या आपको किसी ने आपको बोला है, मतलब ऑफिशियल कंपल्सन के लिए हम नॉर्मली हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो मस्ट का मतलब यदि ऑफिशियल कंपल्सन है, बाहरी कंपल्सन है, तो उसका मतलब होता हैव टू और उस हैव टू को आप हैड टू में चेंज कर देंगे। लेकिन यदि मस्ट का मतलब ऑफिशियल कंपल्सन नहीं है तो आप मस्ट को चेंज नहीं करेंगे। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है, स्पोकन मतलब डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। आई मस्ट वर्क टुमारो, ठीक है। अब यदि ये ऑफिशियल कंपल्सन है, यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपसे बोला है कि कल आपको काम करना ही करना है, तो यहाँ पर मस्ट का मतलब हैव टू, तो उसको आप हैड टू में चेंज कर देंगे। लेकिन यदि मस्ट का मतलब ऑफिशियल कंपल्सन नहीं है तो फिर मस्ट को आप चेंज नहीं करेंगे, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया है द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट ऑन दिस, ये ऑफिशियल कंपल्सन नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर एक्ट करना चाहिए, तो इसलिए हम बोलेंगे ही सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट ऑन दिस, मस्ट को हम चेंज नहीं करेंगे।
तो ऐसे इसको आपको समझना है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज इन ए टाइम क्लॉज, देयर इज नो चेंज इन द टेंस। यदि पास्ट कंटिन्यूस टेंस टेंस को हम टाइम क्लॉज में यूज कर रहे हैं, टाइम क्लॉज मतलब, अभी इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको टाइम क्लॉज क्या होता है। जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, जो वैन, वेन एवर, वाइल, एज, इनसे स्टार्ट होता है, जो सिंस, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, एज सून एज, जो इनवर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टाइम क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जैसे ये वाला सेंटेंस दिया है, व्हाइल आई वॉज स्टडिंग यू वर प्लेइंग, जिस समय मैं स्टडी कर रहा था उस समय तुम खेल रहे थे। तो व्हाइल वाला जो सेंटेंस है ये होगा टाइम क्लॉज। ठीक है, तो ये किस टेंस में दिया है, ये दिया है कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, भले ही ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में दी हो। तो देखिए यहाँ पर सेट टू मी, चूंकि ऑब्जेक्ट दिया है, मी दिया है यहाँ पर, ये मी दिया है, इसलिए सेट का हमने कर दिया टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट वाइल ही वॉज स्टडिंग आई वॉज प्लेइंग। तो कोई भी चेंज हमने इसमें नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और इसी तरह के रूल जो ट्रिकी होते हैं, जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, जिसमें स्टूडेंट थोड़े परेशान हो जाते हैं, वही सेंटेंसेस ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाला सेंटेंस देखिए, इफ पास्ट इंडेफिनिट इज यूज इन ए टाइम क्लॉज, देयर इज नो चेंज इन द टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को भी यदि हम टाइम क्लॉज में यूज करते हैं तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। जैसे यहां पर देखिए, ही सेड व्हेन आई मेट हिम ही वॉज प्लेइंग, तो ही सेड दैट व्हेन ही मेट हिम, व्हेन ही मेट हिम ही वॉज प्लेइंग, ही सेड दैट व्हेन ही मेट हिम ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, इसको ये हिम एक्स्ट्रा है, इसको मैंने काट दिया है। तो इस तरीके से इनको आपको करना है। इफ पास्ट इंडेफिनिट इज यूज इन ए टू साइमल्टेनियस एक्शंस, देर इज नो चेंज इन द टेंस। पास्ट, दो पास्ट के सेंटेंस दिए हैं, पास्ट सिंपल के, तो उनमें भी हम कोई चेंज नहीं करते। शी सेड ही प्रिपेयर द टी एंड आई फ्राइड द चिप्स, शी सेड दैट ही प्रिपेयर द टी एंड आई फ्राइड द चिप्स, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें भी। और हिस्टोरिकल इवेंट का कोई सेंटेंस है तो उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल इवेंट, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ही सेड दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, कोई चेंज इसमें हम नहीं करेंगे। यहां पर आप देखिए, विल एंड शैल आर चेंज इन टू वुड एंड शुड, विल एंड शैल आर चेंज इन टू शुड इफ इट इज रिलेटेड विद सजेशन और एडवाइस। ये मैंने आपको बताया था कि विल और शैल इन दोनों को ही आप वुड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यदि सजेशन का कोई सेंटेंस है तो उसको आप शुड में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, ही सैड आई शैल कम टुमारो, ठीक है, तो ये सजेशन का नहीं है, इसलिए शैल को हमने चेंज कर दिया वुड में। ही सैड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, तो शैल को हमने वुड में चेंज कर दिया। यहां पर देखिए, ये सजेशन का सेंटेंस है, शी सैड टू मी वॉट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम, उसने मुझसे कहा कि मुझे एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए। तो ये सजेशन से रिलेटेड सेंटेंस है, इसलिए शैल को हम शुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस को, जैसे ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां पर आपको जो पैटर्न रखना है सेंटेंस का, वो अफर्मेटिव रखना है। इसका मतलब ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे शी आया यहां पर, और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, शी शुड हम बोलेंगे, वॉट शी शुड की जगह हम वॉट शुड सी नहीं बोलेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। वॉट के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा, वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, मतलब इस पैटर्न को आप अफर्मेटिव में लिखेंगे। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर देखिए, शी आस्क्ड मी वॉट शुड शी डू आफ्टर द एग्जाम, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहां पर वॉट के बाद, चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉट के बाद यहां पर सीधा सब्जेक्ट आएगा, ये शी आएगा यहां पर, शुड नहीं आएगा। और ये सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में इस तरीके से बनेगा, शी आस्क्ड मी वॉट शी शुड, मतलब शुड सी की जगह शी शुड आएगा। ठीक है, वॉट शी शुड इस तरीके से बनेगा ये। तो नीचे वाला सेंटेंस इसमें करेक्ट है और ऊपर वाला सेंटेंस ये इनकरेक्ट है। तो इस तरह के सेंटेंस भी एसएससी और दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं। टीजीटी का जो एग्जाम होते हैं, केवीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस तरह के सेंटेंस काफ़ी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ यूनिक चेंजेज मैंने बताए हैं, ये एक्सेप्शनल सेंटेंसेज हैं,
और यही सेंटेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में स्टूडेंट्स को काफ़ी कम पता होता है। जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, शी सेड इफ़ आई गेट सेलेक्टेड आई नीड नॉट टेक एनी एग्ज़ाम फर्दर। मतलब उसने मुझसे कहा कि यदि मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ तो मुझे कोई भी दूसरे एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पड़ेगी हम बोल रहे हैं यहाँ पर, हम कंपल्सन बता रहे हैं और कंपल्सन के लिए हम बोलते हैं हैज़ टू या हैव टू। तो इसलिए नीड नॉट के स्थान पर हम यहाँ पर बोल देंगे वुड नॉट हैव टू। ठीक है, क्योंकि ये इसका पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, और वुड नॉट हैव टू जो होगा वो नीड नॉट का पास्ट टेंस होगा। तो इसलिए इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। यहाँ पर हमने गेट सेलेक्टेड की जगह यहाँ पर ये गॉट सेलेक्टेड कर दिया क्योंकि ये पास्ट में है। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। नीड आई सेंड एन ई मेल, ही सैड नीड आई सेंड एन ई मेल, मतलब क्या मुझे ई मेल करने की ज़रूरत है। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे ही आस्ट इफ़ ही हैड टू सेंड एन ई मेल। ठीक है, यहाँ पर ये कंपल्सन की बात हो रही है, क्या मुझे ई मेल भेजना है, क्या मुझे ई मेल भेजने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम कंपल्सन बता रहे हैं, कंपल्सन को हम इसका इसको हम हैव टू के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। हैव टू का इक्विवेलेंट है चूंकि ये, तो इसलिए यहाँ पर हमने हैड टू का प्रयोग किया है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेज हैं, इनमें हम मीनिंग के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, ही सेड व्हेन आई वॉज ए किड आई कुड नॉट गो आउट अलोन। मतलब जब मैं बच्चा था तब मैं बाहर नहीं जा सकता था। बाहर नहीं जा सकता था मतलब यहाँ पर हम कुड को परमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मुझे परमिशन नहीं होती थी। आई कुड नॉट गो आउट अलोन, जब मैं बाहर जाता था, जब मैं छोटा बच्चा था तो बाहर नहीं जा सकता था, मतलब मुझे परमिशन नहीं थी। तो यहाँ पर कुड का प्रयोग हम परमिशन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ही सैड दैट वेन ही वॉज ए किड ही वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। और इन एक्सेप्शनल सेंटेंसेस पर रूल्स अप्लाई नहीं होते, इनको आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग इनको आपको चेंज करना होता है। और इसी तरीके के सेंटेंस एसएससी और दूसरे सभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। शी सैड मोहित यू मस्ट बी प्रूडेंट। तो यहाँ पर एक लेडी है, वो मोहित से बोल रही है और उसको ऑर्डर दे रही है कि यू मस्ट बी प्रूडेंट, आपको थोड़ा सा बुद्धिमान होना चाहिए। शी ऑर्डर्ड मोहित टू बी प्रूडेंट, ये इसका बनेगा। ठीक है, क्योंकि मस्ट को यहाँ पर हम ऑर्डर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो क्लास में आपको टेंस को किस तरीके से चेंज करना है ये मैंने आपको बताया है। इस वीडियो क्लास को कम से कम 2 या 3 बार आप आराम से देखिए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो पॉज करके उसको देखिए, समझने की उसको कोशिश करिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे इस नंबर पर कॉल करें या इस ईमेल आईडी पर मुझे आप अपनी प्रॉब्लम लिखकर आप भेज सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।